गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। आज का ये क्वेश्चन है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप बेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवेन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। क्या गिवेन है? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल गिवेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आपको ये चार तीन क्वेश्चन है, तो आपको इसमें मेन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है। हमें पता E बराबर क्या लिखते हैं, माइनस डीवी बाई बी आर, या दूसरा लिखते हैं E बराबर पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस डीवी बाई डी एक्स आई माइनस डीवी बाई डी वाई जे माइनस डीवी बाई डी जेड डी डी एफ। आप पोटेंशियल को अगर एक ही फंक्शन में आर के फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करो, या एक्स वाई जेड के फॉर्म में इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, इसी को बोलते हैं ग्रेडिएंट। ई बराबर इसी को बोलते हैं ई बराबर माइनस डेल्टा, समझिए डेल्टा को एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं ग्रेडिएंट ऑपरेटर डेल्टा वी। यही आपको फॉर्मूला रहना है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फाइंड डी हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डी बराबर एक्स स्क्वायर वाई, उसको एक बार पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एक्स के टर्म में करना है। डी वी बाई डी एक्स होगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स करेंगे। इसका मीन्स क्या है, एक्स वेरिएबल होगा और बाकी सब क्या होंगे कॉन्स्टेंट। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने y को कॉन्स्टेंट माना है, ये क्या आ जाएगा जीरो, ये आपका टू एक्स होगा। उसी तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक बार डी वी बाई डी वाई, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। मीन्स क्या है, y को हम वेरिएबल मानेंगे बाकी को कॉन्स्टेंट मानेंगे। इसका मीन्स क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई बाय डी वाई, मीन्स डी एक्स स्क्वायर बाय डी वाई प्लस डी वाई बाय डी वाई। यहाँ पे क्या है, x कॉन्स्टेंट है इसलिए क्या हुआ, इसलिए इसका मीन्स है कि y वेरिएबल होगा x कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे क्या, x वेरिएबल है y कॉन्स्टेंट है, ये क्या होगा टर्म जीरो हो जाएगा, ये क्या हो गया डी वाई बाई डी वाई हो जाएगा आपको, और जेड तो है नहीं, डी वी बाई डी जेड क्या होगा जीरो होगा। डी वी बाई डी जेड क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई डी जेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स स्क्वायर बाई डी जेड प्लस डी वाई बाई डी जेड, ये दोनों टर्म क्या है जीरो, क्योंकि यहाँ पे जेड वेरिएबल है और x और y क्या है कांस्टेंट, x कांस्टेंट है x स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म क्या हो गया जीरो हो गया। अब पुट करो फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, dv / dx e बराबर क्या लिखेंगे, आपको भी बताए थे e बराबर क्या बताए थे, माइनस dv / dx i माइनस dv / dy j माइनस dv / dz k, यही बोले थे ना, पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या डी वी बाई डी एक्स क्या है, टू एक्स आई माइनस वन जे बाकी जीरो, समझ गए थे आप, इसको पुट कर सकते हैं। पहले आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ई बराबर माइनस टू एक्स आई माइनस वाई। आपको इसकी तो पूरा आपको पता है शॉर्टकट में इसको कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो देखो इसको कैसे करेंगे शॉर्टकट में, हमें क्वेश्चन में क्या क्या है क्वेश्चन, वी बराबर एक्स स्क्वायर वाई है, इसको डायरेक्ट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू एक्स होगा और वाई का डिफरेंशिएशन वाई होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आई लगा दो और माइनस यहाँ पे एक्स का क्या होगा टू एक्स और यहाँ पे माइनस आई लगा दो, फिर वाई का डिफरेंशिएशन वाई के टर्म क्या होगा वन माइनस जी, ये एक टर्म एक मिनट में हो जाएगा।
तो आपका यही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस टू एक्स आई माइनस वाई, क्योंकि एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दो रूप प्लस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स और वाई टू एक्स और वाई का क्या होगा वन। ये आपको पहला क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड। तो आप इसको फिर से क्या लिखेंगे? भी आपको गिवन है, भी तो आपको यही गिवन है ना, तो डी वी वाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या होगा? बाकी वाई और जेड क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। ऐसे लिखना है तो लिख लो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड वाई डी एक्स। यहाँ क्या होगा? डी टू एक्स वाई डी एक्स प्लस डी थ्री वाई वाई डी एक्स माइनस डी जेड वाई डी जेड। तो ये क्या हो गया? ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और इसका क्या होगा? टू होगा। उसी तरह से डी वी वाई डी वाई करो, क्या हुआ? डी टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड डी वाई। यहाँ से क्या हुआ? डी टू एक्स बाय डी वाई प्लस डी थ्री वाई बाय डी वाई माइनस डी जेड बाय डी जेड। यहाँ से क्या होगा? ये तो कॉन्स्टेंट है, एक्स और वाई यहाँ पे क्या मान रहे हैं? एक्स और जेड क्या मान रहे हैं? कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ? थ्री होगा। इसी तरह से लास्ट वाला डी वी बाय डी एक्स कारण क्या होगा? डी थ्री एक्स सॉरी यहाँ पे जेड में थ्री एक्स प्लस डी एक्स थ्री एक्स सॉरी टू एक्स टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड बाय डी जेड। यहाँ पे आपको क्या होगा? डी वी बाय डी टू एक्स बाय डी जेड प्लस डी थ्री वाई बाय डी जेड माइनस डी जेड बाय डी जेड। ये दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे। यहाँ पे क्या हो गया? माइनस वन। अगर आपको ये पता लग गया तो ई बराबर पुट कर लीजिए। ई बराबर क्या होगा? ई बराबर माइनस डी वी बाय डी एक्स आई माइनस डी वी बाय डी वाई जे माइनस डी वी बाय डी जेड। यहाँ से क्या हो गया? माइनस टू आई माइनस थ्री जे माइनस माइनस के। यहां से क्या होगा? माइनस टू आई यहां पे आ गए इसलिए माइनस वन, इसलिए टू आई माइनस थ्री आई प्लस। ये तो लॉन्ग टर्म में हुआ, शॉर्ट टर्म में इसको कैसे लिखेंगे? शॉर्ट टर्म में बोले क्या बोलेंगे? टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड। आपको यही लिखना है, ई लिखना है। ई बराबर क्या लिखेंगे? टू एक्स का क्या हो वन, तो आई लिख देंगे माइनस आई प्लस थ्री का माइनस जेड वाई का वन माइनस जेड का माइनस वन और माइनस की क्या होगा? माइनस टू आई माइनस थ्री जे माइनस। ये आपका हो गया दूसरा। यहां से क्या हो गया? पहला का वी इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड, ठीक है ना। दूसरा ये हो गया आपका आंसर। यहां से क्या बोल सकते? ये भी हो गया माइनस माइनस सॉरी प्लस, ये आंसर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन उसी तरह से अब, लेकिन भी बराबर क्या की मैंने देखो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस वन। फिर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर से कैसे डी वी बाई डी एक्स करेंगे? देखो यहाँ पे उतना नहीं करना, यहाँ से क्या होगा? डी सिर्फ टेन एक्स, अब इसमें एक ही है, दूसरा है भी नहीं। डी वी बाई डी एक्स क्या होगा? फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस नाइन बाय डाउ एक्स। यहाँ से क्या लिखेंगे?
डी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस नाइन बाई डी एक्स, क्योंकि वाई तो है ही नहीं। अब यहाँ क्या हो, फाइव डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस टेन डी टेन एक्स बाय डी एक्स माइनस डी नाइन बाय डी एक्स। यहाँ से क्या होगा, फाइव टू एक्स प्लस टेन एक्स का वन और इसका जीरो, तो फाइव इंटू टू एक्स टेन इंटू वन, यहाँ क्या होगा टेन एक्स प्लस टेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है आपका, माइनस टेन एक्स प्लस टेन आई होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, एक्स इक्वल टू वन पे। एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगा, यहाँ से ई बराबर माइनस टेन इंटू वन प्लस टेन आई, माइनस क्या हो गया टेन प्लस टेन आई बराबर माइनस ट्वेंटी का। समझिए, तो यहाँ क्या होगा माइनस ट्वेंटी, अगर बोले आई तो डायरेक्शन है ना, तो माइनस ट्वेंटी वोल्ट, क्या हो गया ट्वेंटी वोल्ट पर मीटर या माइनस ट्वेंटी न्यूटन पर कूलम। समझिए, ये आपका तीनों को एक बार शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बोल देते हैं। पहला तो ये था, सबसे पहले क्या था, वी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यही था ना, वी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। दूसरा क्या था, वी बराबर टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड, और लास्ट में था वी बराबर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस नाइन। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, टू एक्स एक्स स्क्वायर का क्या माइनस टू एक्स टू एक्स एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस आई वाई स्क्वायर का वाई है क्या वन माइनस जेड, क्या होगा टू एक्स माइनस टू एक्स आई और माइनस जेड। यहाँ पे देखे क्या होगा, e का टू एक्स का वन और माइनस आई वाई थ्री वाई का वन माइनस जेड और जेड का वन और माइनस के, क्या आ जाएगा आपका ई बराबर टू माइनस टू आई माइनस थ्री जे प्लस के। और यहाँ पे अगर बोले क्या होगा, फाइव एक्स स्क्वायर का फाइव इंटू टू एक्स टेन एक्स का वन और कॉन्स्टेंट का जीरो माइनस आई, क्या आ जाएगा आपका टेन एक्स प्लस टेन आई। ये बराबर अगर एक्स इक्वल टू वन के पूछना है, एक्स इक्वल टू वन के पूछेंगे क्या होगा टेन इंटू वन प्लस टेन। समझ गए, ये आपका था, ये बहुत आसान, इसमें पूछा गया है नीट में भी, जेई मेंस में भी और बहुत पहले जेई एडवांस में। आपको रिलेशन फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, पोटेंशियल को अगर ग्रेडियंट होगा तो क्या बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर माइनस डेल्टा एक्स या माइनस डी वी बाय डी आर या माइनस डी वी बाय डॉ वी बाय डॉ एक्स माइनस डॉ वी बाय डॉ वाई जे माइनस डॉ वी बाय डॉ जेड के। इस तीनों फॉर्मूला को आप पेपर याद रखिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। समझिए, इस फॉर्मूले पे याद रखना है डी वी बाय डी आर या माइनस डी वी बाय डी एक्स आई माइनस डी वी बाय डी वाई जे माइनस डी वी बाय डी जेड के। समझिए, इसका मीन्स है कि वी अगर वी को वेरिएबल, एक्स को वेरिएबल माने बाकी सबको कॉन्स्टेंट, इसका मीन्स क्या वाई को वेरिएबल मानेंगे बाकी को सबको कॉन्स्टेंट मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका मीन्स जेड को वेरिएबल माने बाकी को कॉन्स्टेंट मानेंगे। और इसी को क्या लिखते हैं दूसरे टर्म में, ई बराबर माइनस डेल्टा। समझिए, थैंक यू।